हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे कि वीडियो के टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है मॉनसून स्किन केयर के ऊपर। तो जो भी मैं अपने मॉनसून स्किन केयर में चेंजेस करती हूँ, मतलब नॉर्मल स्किन केयर से मॉनसून स्किन केयर जो करती हूँ, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और मॉनसून में हमें अपने स्किन केयर प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए, क्योंकि मॉनसून में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी स्किन पर सीबम प्रोडक्शन बहुत होता है और हमारी स्किन जो है ऑयली हो जाती है। जिन लोगों की स्किन पहले से ऑयली है, उनकी डबल ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, उससे एक्ने आ जाते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है और स्किन बहुत डार्क भी लगने लगती है। जैसे कि आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा डार्क पड़ गई थी और कुछ पिंपल की भी प्रॉब्लम हो रही थी, पिंपल अपने मार्क्स भी छोड़ के जाते हैं। तो इसीलिए हमें मॉनसून में अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए। सो गाइज, जिस ब्रांड के मैं प्रोडक्ट इस मॉनसून सीजन में यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, वो है ब्रांड पिलग्रिम। सो गाइज, इस मॉनसून सीजन में मैं जिस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है ब्रांड पिलग्रिम। इसके ये प्रोडक्ट हैं जिनको मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपनी स्किन पे डिफरेंस देखा है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं ये शेयर करती हूँ। सो गाइज, ये तीन प्रोडक्ट हैं, फेस वॉश है, सीरम है एंड मॉइस्चराइजर है, और आपका स्किन केयर कम्प्लीट हो जाता है। ओके, तो स्किन केयर प्रोडक्ट में सबसे पहले आता है फेस वॉश। तो फेस वॉश हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिलग्रिम का वोल्केनिक लावा फेस वॉश। बहुत अच्छा फेस वॉश है ये, मैं यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तभी साथ में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, तो आप पीछे की आवाज़ अगर आए तो उसको इग्नोर करना। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, वरना मॉनसून के सीज़न में इतना चिपचिप हो जाता है स्किन पे। तो सबसे पहले है ये फेस वॉश, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की बॉटल पैकेजिंग में आता है, इस तरीके का ये है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इसको यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जो फेस वॉश है, ये हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है, अच्छे से हमारी स्किन में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल देता है। एंड बेस्ट बात ये है कि ये हमारी स्किन में जो हमें ऑयल चाहिए, जो हमारा नेचुरल ऑयल है, उसको नहीं निकालता है। कुछ जो फेस वॉश होते हैं वो ऐसा करते हैं कि हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल भी निकाल देते हैं, बट ये ऐसा नहीं करता है और ये हमारी स्किन पे होने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है, एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन को रोकता है, जिससे कि हमें एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको करना है फेस वॉश। गाइज, आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली लग रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ऐसा ही होता है, मेरी वैसे भी ऑयली स्किन है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिलग्रिम का फेस वॉश, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। गाइज, इसको यूज़ करने से आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा फेस पे, ये आपके पोर्स को डीपली क्लीन करेगा, आपकी जो ब्रेकआउट की प्रॉब्लम्स है उनको भी ये सही करेगा, मतलब इसके रिजल्ट एकदम अमेजिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके की इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें हमें वोल्केनिक लावा ऐश मिलता है, जो हमारे फेस के एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। देन इसमें है युजडुगू, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट ये इंग्रेडिएंट इसमें है। तो ये जो हमारे एक्टिव एक्ने हैं उनको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है इसमें व्हाइट लोटस, जो कि एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो आपको अपने फेस को ऐसे हल्के से मसाज करके वॉश करना है, जैसे मैंने कर लिया है, और आप इसको मॉर्निंग और नाइट दो टाइम यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, आप देख सकते हैं मेरी स्किन पहले से एकदम ब्राइटन अप हो गई है, एक्सेस ऑयल रिमूव हो गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, डीप क्लीन हो गए हैं मेरे पोर्स। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइज। और फेस वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है सीरम। सीरम भी हमारे स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है पिलग्रिम का स्किन केयर रूटीन में मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट है, ये है सीरम। ये है पिलग्रिम का स्किन क्लेरिफाइंग सीरम विद कैमेलिया। ये ऑयल स्किन टाइप वालों के लिए है। तो ये इसकी पैकेजिंग है इस तरीके की, कुछ ड्रॉपर के साथ आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ईजी रहता है ड्रॉपर के साथ सीरम को अप्लाई करना। आपको इसको किस तरीके से अप्लाई करना है मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। सो गाइज, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम। सीरम हमें अपने क्लीन फेस पे ही यूज़ करना चाहिए। तो ये है पिलग्रिम का स्किन क्लेरिफाइंग सीरम। इसमें हमें मिलता है 5% नाइसिनामाइड एंड 1% अल्फा आर्बिटिन। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नाइसिनामाइड है वो हमारी स्किन पे जो भी स्पॉट्स और स्कार्स होते हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करता है, एंड जो अल्फा आर्बिटिन इसमें है ये हमारी स्किन टोन को इवन करता है। जो ये सीरम है, जो हमारे इनलार्ज पोर्स हैं उनको भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। अगर आपके ओपन पोर्स है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। सो गाइज, इसका जो प्राइस है वो है 650 रुपीज, और इसकी क्वांटिटी हमें मिलती है 30 ml। बहुत ही अच्छा सीरम है। सीरम के बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर।
तो सबसे बड़ी बात मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब मॉनसून सीजन होता है गाइस, तो हमें बिल्कुल भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी स्किन पे इतना ऑयल हो जाता है और हम क्रीम बेस्ड यूज़ करेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत स्वेटिंग हमें फील होने लगती है। तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करने चाहिए। तो ये है पिलग्रिम का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही अच्छा जेल फॉर्म में हमें मिलता है इस तरीके से। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जेल मॉइस्चराइजर हमें मिलता है और इसको हमें अप्लाई करना है। इसके साथ इन्होंने हमें एक वुडन स्टिक भी दी है ताकि आपको बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इसको आप यूज़ कर सकें। आप वुडन स्टिक से इसको निकाल सकते हैं और ईजिली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। आपको सब कुछ मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। ये है पिलग्रिम का मॉइस्चराइजर। तो इसमें जो की इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड और है नाइसिनामाइड। तो जो हाइलुरोनिक एसिड है वो हमारी स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है, नाइसिनामाइड हमारी स्किन पे जो भी स्कार्स हैं और स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करता है, ये हमारी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत ही अच्छा है मॉनसून सीजन में। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, ईजिली हमारे फेस पे ये अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका जो प्राइस है वो है 495 रुपीज़ और ये 50 ग्राम क्वांटिटी में हमें मिलता है। एंड गाइस, आई एम सॉरी बैकग्राउंड की जो आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर करना, मॉनसून सीज़न है, आपको सबको पता है कि घर में सब रहते हैं ऑलवेज। तो अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो ये है मेरा कूपन कोड, इसको यूज़ करके आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स का परचेज़ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। सो गाइस, इस तरीके से आपको अपना स्किन केयर रूटीन करना है इन मॉनसून सीजन में और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस स्किन केयर को आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ब्राइट भी होगी और आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सभी दूर होंगी। आपको किसी भी तरीके से मॉनसून के जो ये एक्ने प्रॉब्लम है, ह्यूमिडिटी की वजह से सीबम प्रोडक्शन, ऑयल, सबसे आपको निजात मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ये स्किन केयर रूटीन है जिसको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मेरा कूपन कोड यूज़ करके आपको कुछ ऑफ भी मिल जाएगा। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और आगे आप कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं। सो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।